तो दोनों चेक करना बहुत जरूरी है, राइट? प्लॉट का जैसे कि आप प्लॉट का वास्तु बना रहे, अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन अभी होगा तब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? क्या क्या करना है तुमको प्लॉट का? अभी प्लॉट रेडी किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तो लाइंस को कब ट्रीट करते हैं? नहीं, आफ्टर द बेसमेंट, मतलब जो खुदाई हो जाती है, जो नींव डालती है ना, एट दैट टाइम फ्लोरिंग से पहले? नहीं, फ्लोरिंग नहीं, फ्लोरिंग जब पूरा घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी बात करती है, जब आप खुदाई करके आप वो डालते हो कलर्स के लिए और नीचे एक छोटा सा वो बनता है, एट दैट टाइम यू हैव टू ट्रीट इट, बिकॉज आपके लोहे में, आपकी पूरी स्ट्रक्चर में वो वाइब्रेशन नहीं आ रहे, अंडरस्टैंड? एट दैट टाइम यू हैव टू प्लेस, बट अगर फ्लैट है फ्लोरिंग से पहले, इफ इट इज अ फ्लैट, बट अगर घर कंस्ट्रक्शन हो रही है एट दैट लेवल. अच्छा, एक चीज और, सपोज आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, एक क्लाइंट है आपके पास, उसको कोई टॉवर है या उसकी बिल्डिंग है, वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रही. जब से कंस्ट्रक्शन हुआ 3 साल हो गए, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई, फंड्स की प्रॉब्लम आपके ही भाई रहते, उस केसेस के अंदर सबसे पहले जाके आपने ब्रह्म स्थान में इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्मूथली करने के लिए कि आगे प्रोसेस हो जाए. सेकेंड थिंग, जो भी उसकी दीवारें हैं चारों तरफ, वहां पे एक एक ईंट की दीवार एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये दीवार एक एक ईंट आगे, एक एक ईंट पीछे, इस दीवार के साथ में एक ईंट, एक दीवार और खड़ी करके चारों तरफ, अंदर की साइड से पूरे कंस्ट्रक्शन, दीवार पूरी कंस्ट्रक्शन, इसको जब भी खड़ी हो जाएगी वो, उसका काम शुरू हो जाएगा, काम मतलब कितनी खड़ी चीज से आगे. हाँ, बस 7-8 फुट तक तो करो, पूरा करो तो पूरा ही करना, मतलब पूरी दीवार ही बना दो चारों तरफ, जैसे फर्स्ट फ्लोर बन गई है किसी की, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, तो अंदर से आपने क्या किया, बाय एडिंग वन, आप ऊपर जाके फिर उसी इस पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी. मास्टर्स, समझ आया क्या? क्या व्हाट वाई आई टोल्ड दिस थिंग, बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हेन यू आर गोइंग समवेयर ना, यदि घर की बिल्डिंग नहीं बनी, घर ही नहीं बन पा रहा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू दिस थिंग, अगर घर की सब कुछ बन जाएगा हमने ना एक बार देखे, मेन हाईवे में प्राइम लोकेशन के ऊपर बिल्डिंग आदि तैयार होके ना सीमेंट के साथ एसेट पड़ी है, पूरी बनी हुई है, उस इश्यूज के अंदर आप बता रहा हूं, उन इश्यूज के अंदर आपने प्रस्ताव को ट्रीट करना है और ये करके काम करना है, तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक बेस पे शुरू हो जाएगी. देखो उसको आप ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ दैट दैट इज डेड लैग, सो यू ओनली वन थिंग इज देयर, यू ओनली डेथ. But we can measure and check first here. You, that is always you are there. Now you are an expert, you can do it easily. Now you are there, you can do everything there easily. Okay. 16 में से 5 directions open हुए. You can see. Yeah, red cut आ गया. Suppose आपको east, southeast, south, southwest, southwest, west, north, west and north pole. Suppose, बाकी सारी directions बंद हैं. In this case, what you do? You have to turn the pyramid by 90 degrees like that. Faces तो वही रहेगी ना, so you turn नहीं करता है ना. Keeping here, again check the 16 directions. By chance at this moment, what will happen is this direction will get fine. A new direction can come out here that can be north of north east आ गया suppose. ठीक है, still we have 4, so this is also not good. Then we need to shift it again. There will be one, चार बार आपको 16 direction देखने, एक ऐसे point के ऊपर कोई भी direction नहीं आएगी, या एक direction, एक आ सकती है, जैसे south आ जाती है, या south south west, सिर्फ 20 degree खुल रहा है, 20%, बाकी सब that's the best thing. So that is the best thing. मतलब suppose इसमें सारे ढंग हैं, what you do? This is east, this is south, this is west, this is north. अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे east में east लिख दो, और ईस्ट की तरफ एक एरो बना दो, इसमें तो इसमें जो भी इसका जो फ्लैट सरफेस होगा
वहां बस इसलिए मैंने अपना कंपास लेके कंपास ले लिया हो दिशा हो कुछ भी हो कंपास में आपने उस जगह पे इसको अलाइन करना कंपास में आपने एज इट इज ये बनाना और जो ये डायगोनल्स में आएगा ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा या साउथ ईस्ट में आएगा साउथ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में आएगा ये मेन डायरेक्शंस की तरफ आएगा हमारी दोनों चीजें इसमें खुला कितना बस ऊपर तक खुला रखना है कितना जमीन के अंदर जमीन के अंदर एक डेढ़ इंच ऊपर खुला होना चाहिए मिट्टी आनी चाहिए उसके ऊपर तब जाके बंद करोगे उसको और एक है चावल की एक है हल्दी की यस और उसके ऊपर ये रखना यस हल्दी की लेनी चाहिए हल्दी का स्प्रिंकल कर देना थोड़ा कुमकुम ये रखकर और फिर सिंदूर या कुमकुम यस उसके बाद आप चावल मिट्टी चावल कंप्लीट वाले होने चाहिए अगर कंप्लीट कोई साबुत चावल मतलब धान धान मतलब छिलके वाला धान वो होना चाहिए Because the moment you are putting a rod in, yeah, it is important.
Southeast is a hot element, fire element. हमने वहाँ पर north west is a cold element. इसका मतलब क्या है? From exactly अगर हम cold की देखते हैं ना परिभाषा के इसको सीधा करो direct. ये this is hot zone and this is cold zone. सीधा slice. Diagonal slice नहीं होता, इसमें सीधा slice होता है. ये सारा cold zone है, ये सारा hot zone है. ठीक है? हमारी suppose line आई यहाँ पर ऐसे. We have a Geopathic stress line coming here. ये Geopathic stress की lines हैं हमारे. देखो, ये being south, इसमें तो rod यहाँ लगेगी south में. Clear? यहाँ पे भी south. तो इधर we have put the fire element in the cold, or the opposite element. So this का जो असर है, ये destruction में शुरू हो गया. You have started minus polarity. So controlling southeast is not the money control करने के लिए मैं कभी भी नहीं southeast को देखता. मैं southeast और northwest को because northwest से वैसा आता है southeast को. Because Akasha या अनिल जो भी है यहाँ पर देवता, they are air elements. They are the governors of northwest. वो यहाँ बैठ के अपनी ministry यहाँ से govern करते हैं. तो यहाँ पे अगर पैसा नहीं आ रहा, source of income नहीं आ रही है, तो factory इनकी यहाँ है. अगर फैक्ट्री में प्रॉब्लम है तो पैसा यहां नहीं आने वाला आपको. सो यू नीड टू कंट्रोल साउथ ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड इफ नॉट देयर इज नो प्रॉब्लम इन नॉर्थ वेस्ट देन यू हैव टू सी द साउथ ईस्ट बिकॉज़ सोर्स ऑफ साउथ ईस्ट इज नॉर्थ वेस्ट ओनली. इसका सटल स्पाइन है ना ये. हां ये सटल स्पाइन है जैसे आपको भी बोला क्रॉस किया है सटल के अंदर सटल स्पाइन. अच्छा एक चीज और जो भी प्रूफ किया था उस टाइम मैं बता रहा था आपको एंट्री 3-4 की एंट्री नेगेटिव होती है. क्या है हमारे पास जब बेस पुराण आप पढ़ते हो उसके अंदर क्या कहा उन्होंने कि कुछ कुछ ढलान हमारे शास्त्रों के अंदर हां जी मनीष जी कविता जी मानसी याद है कुछ हमने याद करे ढलान कौन से कास्ट के हिसाब से थी याद आया. ठीक है अब इसमें चीज समझने वाली है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर आप घर के अंदर खड़ते हो ना तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा उच्च पद होता है उच्च राइट हैंड साइड नीच होता है. तो हमारे यहाँ पे जो ईस्ट है उसके आसपास बट जब मूवमेंट अब्रॉड डालने जा रहे हो तो पीछे हमको ऑयल हटाना पड़ेगा. तो अभी जब ऑयल रखा तो वहां पे कोई नेगेटिव नहीं जब तक आप और रॉड लगा रहे हो 15-20 मिनट या आधा घंटे में तो वहां पे एनर्जी तो वहां से निकल जाएगी मैच के तो तूने क्या किया यहाँ से रॉड डाला है बाहर तक छोड़ा इसका कोई भरोसा नहीं क्योंकि ऑयल लग गया बेटा बड़े वाला तो किसी फैक्ट्री में लगाओगे जो कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट की हो 5,000 फैक्ट्री में यूज द बिग वन ओनली बिकॉज़ काफी वहां पे मशीन्स की क्या बोलते हैं मूवमेंट होती है वेयर मूवमेंट इज मोर वेयर पीपल आर मोर यू रिक्वायर अ बिगर वन द फैक्ट दैट व्हेन यू आर सेइंग फैक्ट्री आल्सो जो आपकी सोच क्या होती है ह्यूज सो यू रिक्वायर अ ह्यूज वन टू move the energies there. तो बड़ा वाला ही you can go. कोठी अगर 500 गज की कोठी है उसमें ground floor भी लगेगा. Medium वाला. Medium लग जाएगा. Medium 500 गज में. Actually pyramid लगाने का मकसद क्या है ये देखो हम pyramid दो directions दो cases में लगा रहे हैं. या तो नीचे सीढ़ी है, stairs है, anti direction में stairs है. उसकी energies को nullify करने के लिए और enhance करने के लिए pyramid लगा रहे हैं. या हम ब्रह्मस्थान में 60 डायरेक्शंस को उत्पत्ति के लिए लगा रहे हैं और ये डीजल टू बनी डीजल आपने बताया कहीं कहीं पर ब्रह्मस्थान से नोडल पॉइंट्स भी लगते हैं तो वहां जरूर लगाना वहां पे तो चाहिए ही चाहिए आपको वहां पे जरूर है नोडल पॉइंट जहां पे नोडल पॉइंट में जैसे ये ब्रह्मस्थान है बिल्कुल ये ब्रह्मस्थान है थोड़ा सा जरा सा आगे वही नोडल पॉइंट बन रहा है नोडल पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर आईआर 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 का नोडल पॉइंट बन रहा है वो फिर ब्रह्मस्थान में लगाना चाहिए मैं आईआर पे आईआर ही लगेगा नहीं
घम स्थान में पिरामिड का लगा लगेगा नहीं बट आफ्टर माइनसिंग द इफेक्ट ऑफ माइनस आईआर आईआर हमने ठीक कर दिया आई एम जस्ट सेइंग कि सपोज अगर हमारा ये पॉइंट पे हमारा घम स्थान है और यहीं पे समझ लीजिए ये अगर पास है बहुत पास में ही नॉर्डर पॉइंट है वहां पे आप लगाइए काफी एनर्जी इंबैलेंस है तो वहां पर भी अच्छा है ना पिरामिड लगाना सुंदर जी जिसके ब्रह्म स्थान पे के कुछ रूल्स हैं इसके जिसके ब्रह्म स्थान में नोडल पॉइंट है ना जियो का या आईआर का जो भी है उस घरों के अंदर तीन प्रॉब्लम्स मेजर होंगे क्या होगी रिलेशनशिप इशू होगा फाइनेंशियल इशू और हेल्थ इशू होगा मतलब कुछ बचता ही नहीं बचता ही नहीं है कुछ ऑल इट बी बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑन योर स्पाइन इट इज ऑन द स्पाइन ऊपर से ब्रह्म स्थान अच्छा एक चीज और हमारे नॉर्मली देखो आपके क्लाइंट के बेडरूम्स होते हैं साउथ वेस्ट में काफी 70-80% जैसे जिनको वास्तु आते हैं जो आपको बुला रहे हैं इतने वेल वर्ड्स हैं वास्तु के बारे में साउथ वेस्ट में अपना रूम है और कम रीजन से वो कहीं और रखते हैं एक चीज और अपने नोडल पॉइंट को समझो है क्या वो यहाँ पे ड्रिल कर दे उसको मैक्सिमम यील्ड ऑफ वाटर मिलेगी और जितना इसका और ज्यादा अच्छा होगा जिसका और उसके बाद नाप हो जिसका और छोटा उसमें नहीं जिसका आपको उसमें नाप हो जिसका मैक्सिमम और वाटर वहां पर उसको वाटर की वो मिलेगा वाटर का यील्ड अच्छी मिलेगी ये और बहुत अच्छा बट ये चीज समझने वाली बात है जो मैं समझने की बात ये है जैसे अभी सोना जी ने क्या बोला था कि उनके बेड के नीचे आई आ रहा है यही बोला ना लड़ाई हो रही लड़ाई इसके कारण नहीं हो रही है वो एक रीजन है दैट इज वन फैक्टर है बट मेन फैक्टर क्या है सपोज उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट में पानी का बोर है वाटर बोर है इट्स अ वाटर पॉइंट इट इज अ वेल पानी का गड्ढा है ठीक है ना तो जिस कमरों में जिस घरों के अंदर साउथ वेस्ट में शीशे भी हैं मिरर हैं अलमीरास के ऊपर रिफ्लेक्टिव मिरर और पानी तत्व बढ़ गया और पानी तत्व बढ़ गया उसमें तो उसमें लड़ाई होंगे सो कुछ मत करो उसके बेडरूम में जाके पहले मिरर्स को बंद करो सर इवन बट वाटर ने क्या है आई टेल यू वन स्मॉल थिंग आई डोंट नो व्हाट वाज द पैरामीटर देयर बट आई एम रफली ट्राइंग टू टेल यू सपोज ये वेस्ट था यहां पे बेडरूम था उनका बेडरूम लगभग यहां होगा अगर आप एक्सटेंडेड कह रहे हो यहां होगा यहाँ पर लाइन आ रही है नॉट एग्जैक्टली बीच में एग्जैक्टली हियर बेडरूम थोड़ा सा काट कर मैंने ऐसे रखा हुआ ओके और पॉइंट यहां बन रहा है ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग फॉर यू इट इज अ वेस्ट जोन ये वेस्ट का जोन आपके लिए है लाइक इफ आई एम सिटिंग इन दिस रूम दिस इज इसका सेंटर पॉइंट वो है लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ भी नहीं है डायरेक्शन हमारे हमने ही बनाई है दैट्स नथिंग लाइक व्हाट इज सोलर डायरेक्शन व्हाट इज एट डायरेक्शन व्हाट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नथिंग अगर मैं वहां जाता हूं तो मेरा ईस्ट ये हो जाता मेरा साउथ वो कमरा हो जाता पर अगर मैं यहां खड़ा बाय चांस ये मेरा अपना ऑफिस है तो ये मेरा साउथ बन जाता है तो व्हाट इज डायरेक्शन हाउ डू यू टेक अ डायरेक्शन डायरेक्शन इज एवरीवेयर इट इज व्हाट यू आर उसके ऊपर जो कमरे का वास्तु है ना घर के वास्तु से ज्यादा क्लाइंट हमारी कहां गलती होती है वो कहता है कि हमें यहाँ रिलेशनशिप इश्यू आ रही है ना हम जाके घर का साउथ वेस्ट देखते हैं मुझे जब वो बोलता है रिलेशनशिप इश्यू आती है मैं साउथ वेस्ट में नहीं जाता मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं बाकी के बाकी टू थ्री फैमिलीज है उधर बट दीस पीपल आर फाइटिंग अदर आर नॉट सो द मेन हाउस इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम समवेयर इन देयर रूम देयर इज अ प्रॉब्लम ठीक है ना नाउ यू नो व्हाई यू नीड टू एड्रेस समथिंग लाइक द डायरेक्शन इज द डे यू अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग that devtas are not directions second thing you understand directions are only a part of mind that is it will start happening jis din aap tab tak aapko ye note karoge ki iski wo solar direction ki main grading kaise karu ye extension kya hai cut kya hai tab tak aap khud hi ek dilemma mein purane vastu shastri jitne bhi south mein aate hai na south se aate hai wo kuch nahi direction frankly bolo kya karte hain aapko 15 degree yahan pe deviated nahi hai na east Suppose this is the east, this is west, this is south, this is north. अगर आपका zero की जगह 10 degree यहाँ से है, east की जगह, वो इसको east क्यों कह रहा है? अच्छा एक चीज बताओ मुझे. Why I'm telling you, it's very important thing to know.
आपके विजिटिंग कार्ड का हिस्सा कहाँ होता है? जितने वेद पुराण शास्त्र शुरू कहां से होते हैं, जितने यंत्र लगते हैं, टॉप को ईस्ट कहा जाता है। आपको मोबाइल का भी टॉप ईस्ट होता है, नॉर्थ नहीं होता। आपके विजिटिंग कार्ड अगर लैंडस्केप है तो ये ईस्ट है, अगर पोर्ट्रेट विजिटिंग कार्ड है तो ये ईस्ट है। ऊपर वाला पोर्शन इज ऑलवेज ईस्ट, बिकॉज व्हाई ईस्ट? ईस्ट इज अ पार्ट जहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, जहां से सूर्य अपनी ऊर्जा देता है, जहां से हमारी आंखों को एनर्जी सबसे पहली स्रोत मिलती है। इसलिए जितने वेद पुराण में अगर आप देखोगे, आप विश्वकर्मा प्रकाश भी पढ़ोगे जो ग्रंथ है, उन्होंने हमेशा उसके अंदर यहाँ पे ईस्ट बोला हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ नहीं बोला हुआ। जितने भी वेद शास्त्र है उसको ईस्ट से शुरू करते हैं, वो कहते हैं ईस्ट। मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं ये नॉर्थ है ना, आजकल वो डिजिटल वास्तु करके मोबाइल पे बोलते हैं कि यू हैव टू अरेंज द आइकंस आल्सो अकॉर्डिंगली। अभी रिसेंटली कोई स्टूडेंट आया था, वो बता रहा मैम दिस इज नॉर्थ, आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई डिडंट से एनीथिंग। अच्छा फिर इससे क्या करते हैं, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है इसलिए एफबी में यहां रखा हूं, पर रखा कहां है? नॉर्थ ईस्ट में, एडिक्शन ले रहा उसको, नॉर्थ ईस्ट में रखा है एफबी, एडिक्शन ले रहा है नॉर्थ वेस्ट। उसे लग रहा है वो नॉर्थ वेस्ट में, वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं देखा हुआ, उसको उल्टा एडिक्शन के जोन में क्यों दे रहा है एडिक्शन? उसका कारण है बहुत बड़ा। नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज रखोगे आपके, अगर अगर आपके मोबाइल के आइकॉन के अंदर आपका जो भी व्हाट्सएप का लोगो अगर लेफ्ट हैंड साइड टॉप में पड़ा है तो स्पाइन के ऊपर पड़ा है, इट इज ऑन द स्पाइन। So anything you're keeping on a top layer is going to addict you because आपके दिमाग में psychological pattern वही चल रहा है। And think how much a mobile means to you, more than your house now. तो वास्तु किसका करना है? नहीं मतलब so everything is being arranged like that. So exactly आपका जो हम आते हैं कि आपका जो parameter है वो किसके ऊपर है? इस कमरे का आपके ऊपर east देखो, आपको east को zero मानो या north को zero मानो जो भी है। It is only a play of mind. Anything kept in your place, agar, jaise I tell you, a very small thing. Suppose, ये कमरा, ऑफिस खाली है अभी तक? हाँ, खाली है। तो वो तो बहुत ही अच्छा। ऑफिस खाली है, तो spiritual, it's nice, it's for spiritual development. आपका आप आपके ऊपर addiction नहीं है कोई भी, आप किसी भी influence में नहीं हो, इसलिए तो ऑफिस हमेशा खाली रखते थे। Why not? Why did he say keep an ऑफिस space as open? उसको इन्फ्लुएंस नहीं कुछ करना, खाली नहीं उसको, उसको कपड़े का भी लालच नहीं है, पैसे का भी नहीं है, उसका मींस इट इज नॉट, ही इज नॉट यू नो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग, दैट इज व्हाट। और वहां पर अगर डस्टबिन रखा हो तो दिन में दिमाग में वो है। अच्छा अब एक चीज और क्यों आपको बता रहा हूं, सपोज योर रूम इज दिस थिंग, नाउ दिस इज अ रूम, ओके, सो दिस इज नॉट, बिकॉज द एनर्जी फ्लो नाउ हैज टर्न इनटू एंटी क्लॉकवाइज, द नेगेटिव एनर्जी का नेगेटिव गेट। आपको कई बार क्या मिलेगा कि आपको लगता है ये एंट्री पॉजिटिव है, लाइक यू नो ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज अ पॉजिटिव एंट्री, साउथ ऑफ साउथ इज अ पॉजिटिव एंट्री, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज अ पॉजिटिव एंट्री, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ इज अ पॉजिटिव एंट्री, बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू एन एंट्री एंड यू आर फाइंडिंग दैट एंट्री इज नेगेटिव, व्हाट इज द रीजन? लोअर देयर, दैट इज द रीजन दीज एंट्रीज आर बिकम नेगेटिव। यू कैन नॉट सी फिजिकली लोअर एज इट, but due to some drainage or due to something there's a leakage there. Leakage there, और वो नीचे extract नीचे हैं। वहाँ पे तो ये problem तब दिखती है आपको। तो उस cases में अगर मैं एक fixed parameter लेता हूँ कि entries हमेशा अच्छी रहेगी, तो आपको ये भी मिलेगा कि अच्छी entries भी negative प्रभाव दे रही हैं कई जगह के ऊपर, और कई जगह के ऊपर negative entries होते हुए भी positive प्रभाव है, क्योंकि वो negative entries ने उसको balance किया है उस घर को by this thing. तो that is the reason आपको एक class में क्या सिखा देते हैं कि आपको right लेफ्ट नहीं देखना, आपने यहाँ से जाना है जहाँ पे खुल जाए वहाँ पे खोल दो, because energy flows जगह। एक बात बताओ, entries किसने बनाई? किसी ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। हमने एक negative, हमने क्या देखा, हमने 100 घर देखे, 500 घर देखे, suppose इस पद के ऊपर था तो हमें negative प्रभाव मिला, but उससे उन्होंने घर भी थे aligned by वास्तु थे, उन्होंने क्षत्रिय के घर देखे, शूद्र के देखे, यार वैश्य के घर देखे, ठीक है ना, या ब्राह्मण के घर देखे, ब्राह्मण की पूरी संगत में उन्होंने जो पैरामीटर निकाला, उन्होंने एक ही पैरामीटर के ऊपर बात किया, उन्होंने ये नहीं बोला, जैसे उन्होंने अगर बोला भगवान शूद्र की यहाँ पर है, वैश्य की वहां पर है, क्षत्रिय की वहां पर है, उन्होंने एंट्री के ऊपर नहीं कोई बात बोली, उस एंट्री के हिसाब से वो जो दरवाजे थे वो चेंज हो जाते थे, उन्होंने उसमें यही तो सीक्रेट है, यही तो प्रॉब्लम, यही तो सीक्रेट है। आपको क्यों मैं कहता हूँ
सेम एंट्रीज नेगेटिव कई घरों में मिलती है, कई घरों में वो पॉजिटिव मिलती है। स्टार्टिंग में लगा दो, आपका काम बहुत स्मूथली चलेगा, कंस्ट्रक्शन बहुत स्मूथली चले जाएगा। रुकावट आ रही है तो मैंने आपको बता ही दिया, एक दीवार अंदर कर दो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की कर दो, वो आप कम से कम 10 इंच दो दीवारें का एक गैप डाल के एक डायरेक्शन में वो आप देखो, क्योंकि साउथ वेस्ट में करो तो बेटर है, साउथ वेस्ट की दीवार डबल हो जाएगी, वैसे भी साउथ वेस्ट की दीवार डबल हो जाएगी वो भी अच्छा वास्तु के अंदर अच्छा माना जाता है। सपोज साउथ वेस्ट में डबल दीवार हो जाए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सपोज दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इफ यू पुट अ दिस वॉल एज डबल इट इज ऑलवेज वेरी गुड। मैं वही कह रहा हूँ, एक डायरेक्शन लेंथ और ब्रेथ में कोई भी डायरेक्शन को एक जो भी ब्रेथ भी मिलती है ब्रेथ में एक दीवार बढ़ाओ और उसके बीच में भी एक गैप रखो, मतलब यार फिलिंग करो, मतलब एक इंच से ज्यादा की दीवार बढ़े फिर
स्मॉल क्लास हम यहाँ पे हरी बार में करेंगे हाँ दिल्ली में करते हैं ये वाला हिस्सा
ये नॉर्थ वेस्ट है ना कंप्लीट में दो डायरेक्शन, इसका ये वाला पार्ट मींस लेफ्ट हैंड साइड वाले में अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम आती है। चलो उसने बोला मैं कोई बात नहीं, मैंने पहले क्या किया उसका घर पूरा बैलेंस किया कंप्लीटली, जियोपैथिक स्ट्रेस निकाला हमने, डायरेक्शन लगाई, देवता लगाए सारे, जो जो प्रॉब्लम के देवता थे 7-8 देवता निकले, 8 देवता बी प्लांटेड देयर। उसके बाद क्या हुआ, द मोमेंट पुटिंग दैट 8 देवता देयर व्हाट हैपेंड इज दैट अगेन नाउ आई सेड ओके नाउ वी गो लेट्स गो टू द गर्ल्स हाउस। मोमेंट वी वेंट टू द गर्ल्स हाउस वी चेक द एनर्जी सर, आई सैट डाउन देयर फॉर 5 मिनट्स एंड से टू सी व्हाट इट वाज एंड मदर इन लॉ थोड़ा सा मुंह बना हुआ था मेरा, तो उसको नमस्ते की, तो शी आल्सो रिस्पोंडेड द सेम। आपको लगा ऐसे मुझे डायरेक्शन चेक करना, तो आई टोल्ड आपकी ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम द वे वी से इन ऑर्डर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, आई जस्ट टोल्ड द पैरामीटर्स आप हो गए तो आप सारा कुछ कर दो, आप रॉड भी लगा दो, आप डायरेक्शन भी लगा दो, आप रेजोनेंट वॉइड भी लगा दो, मैंने सब रेजोनेंट वॉइड डायरेक्शन देवदास डीआर सब कुछ लगा के कम्प्लीटली उनका वर्क कर दिया हूँ। एंड आफ्टर दैट उनका फीडबैक अगले दिन क्या था, उसकी बेटी ने दिया कि मेरे हस्बैंड और सासू माँ कह रहे थे नथिंग दे आर सेइंग दैट दिस पर्सन इज नॉट अलाउड एंड दैट लेडी कॉल्ड मॉम, उन्होंने माँ को बोला कि क्या हो गया, हमें भी समझ आया कि कैसे because she's connected to you, why it is not, you know, how it is influencing her, because parents us ghar ke andar hai, theek hai, parents us ghar ke andar hai, parents ka jo psychological pattern hai uski beti ke sath influence kar raha hai, now this is being influenced like that, so I need to cut this cord first of all. The moment you cut this cord from Vastu, you are going to change the frequency of the parents also. The moment that happens, this will become an individual entity and you will be able to treat it. Is there a factory treat karne se pehle usko ghar treat karo. Factory mein jo problems hai, wo factory mein nahi hai, wo sirf ghar se usko problems mil rahi hai factory mein. Ghar mein wo raat ko baith ke apni life ke andar ladai karta, factory mein jaake kaam kaise karega. Aur agar suppose ek passage ka time hai, to factory mein jaake kya karega? Uska dimag mein is missing in his life, he'll try to find out a plus anywhere, either in the factory or outside. So all his work will be in imbalance. So इसके लिए क्या करना पड़ता है जैसे आपने फिर कुछ नहीं आप पहले यहाँ पे घर में जाके डायरेक्शन ट्रीटमेंट जियोपैथिक स्ट्रेस अभी देवदास भूल जाओ फिर आप जियोपैथिक स्ट्रेस डायरेक्शंस आईआर ऑयल्स इतने पॉइंट्स हैं कंप्लीटली सो 16 डायरेक्शन एक बार आता हूँ एक डायरेक्शन को जब मैं वापस को बैलेंस करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ मैं इसके दोनों भाग को बैलेंस कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि यहाँ पे प्रॉब्लम है इसका ये मतलब नहीं कि वहां जाके प्रॉब्लम देखो द मूवमेंट आपने नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस किया तो वो प्रॉब्लम भी तो ठीक हो गई जब मैंने वेस्ट को बैलेंस किया द मूवमेंट मैंने वेस्ट के दोनों हिस्सों को बैलेंस किया ठीक है ना एक डायरेक्शन है दो दोनों डायरेक्शन है मेल एंड फीमेल ठीक है ना मूवमेंट आप बैलेंसिंग एंड सिंगल डायरेक्शन है टू डायरेक्शन आर नॉट बैलेंस्ड तो आपने कुछ नहीं करना आपने सासू मां को बुला रही है मतलब मेरी बेटी नहीं सेटल उसे घर में जाकर देखो उसके वेस्ट में जरूर आपने कोई गलत काम किया है गलत हुआ हुआ है इससे उसकी बेटी को प्रॉब्लम है मोमेंट यू ट्रीट द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट द वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट का सारा जोन को ट्रीट करते हो उसकी बेटी ठीक हो जाएगी और यहां पे रिवर्स है हां एलिमेंटल कैसे लगता है अभी किसने कहा था अभी कौन कह रहा था साउथ ईस्ट बड़ा होता है आपने कहा था किसने बोला था आपने बोला था सपोज इसका आपने पहले सेंटर निकाल लेना है एक्सचेंज सेंटर के साथ सो जहां पे आप डिस्क रखते हो मैं वहां पे आ रहा हूं जहां पे आप डिस्क करते हो वहां ठीक है